हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम तक वॉरियर्स में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस समय जो मैथ्स में चल रहा है, आप सभी का कोर्स जो चल रहा है वो आरआरबी एनटीपीसी एसएससी सीएचएसएल एसएससी सीजीएल यूपी टेट सी टेट यूपी पुलिस यूपीएसआई के लिए एक मैथ्स का स्पेशल बैच स्टार्ट किया गया है। और इस स्पेशल बैच में पहले हमने स्टार्ट की है एडवांस मैथ से, और एडवांस मैथ का हम लोग पढ़े मेंसुरेशन पार्ट थ्री, और ये पार्ट थ्री है। जो बच्चे आज पार्ट थ्री देख रहे हैं, इससे पहले जाकर वो पार्ट वन और पार्ट टू को देख लें, उसके बाद ये वीडियो देखें, उसके बाद तब जाकर आपको पूरा कंसेप्ट समझ में आएगी क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं टॉप 50 क्वेश्चन सीरीज के साथ। उधर आपका क्वेश्चन 15 तक हो चुका था, आज स्टार्ट करते हैं 16 से। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इस वीडियो को पहले आप लोग शेयर कर दे ज्यादा से ज्यादा, ताकि सभी स्टूडेंट्स का फायदा हो सके, सभी प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स का फायदा हो सके। और आज जो मैंने टॉपिक लिया है मेंसुरेशन से, वो लिया है बहुभुज। बहुभुज इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। आप कोई सा भी एग्जाम देते हैं, हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। और सवाल को सॉल्व करने से पहले आइए मैं लेकर चलता हूं आपको इसके फॉर्मूलों की तरफ। पहले देखेंगे बहुभुज किसे कहते हैं। कुछ सरल रेखाओं से घिरी बंद आकृति को बहुभुज कहते हैं। कुछ सरल आकृति से जैसा कि आपसे हमने ये हो गया, ये इस तरीके से यह भी बहुभुज है। कुछ इस तरीके का आकृति आप देख रही हैं, बहुभुज है। यानी कि सरल, अगर सरल आकृति रेखाओं से घिरी हुई है तो उसी को हम बहुभुज बोलते हैं। त्रिभुज भी एक बहुभुज है दोस्तों, त्रिभुज भी एक बहुभुज है, चतुर्भुज भी एक बहुभुज है, इसमें कोई दो शक नहीं है। तो अगर बंद आकृति है जिसमें दो से अधिक भुजाएं हैं, उन सबको हम बहुभुज अर्थात पॉलीगन बोलते हैं। आगे चलें, जैसे त्रिभुज चतुर्भुज पंचभुज इत्यादि। इसके बाद n भुजाओं की समबाहु बहुभुज में प्रत्येक बाइकोण का जो फार्मूला होता है वो होता है 360/n। फार्मूला रन करिए, अगर आप नोट्स बना रहे हो तो नोट पर जरूर लिखिएगा। फिर n भुजाओं की बहुभुज में विकर्णों की संख्या, दोस्तों जो विकर्णों की संख्या होती है वो होती है n²-3n/2। क्या होता है दोस्तों? n²-3n/2। ये विकर्णों का फार्मूला याद रखिएगा, आगे काम आने वाला है। और उसके बाद लास्ट में देखते हैं n भुजाओं की बहुभुज में सभी अंतःकोणों का योगफल। n भुजाओं की बहुभुज में सभी अंतःकोणों का योगफल दोस्तों होता है 2n-4×90। एक बार फार्मूला रिवाइज करवा दे रहा हूं, विकर्णों की संख्या 2n-4×90, सभी अंतःकोणों का योगफल 2n-4×90, और n भुजाओं की समभुज में प्रत्येक बाहुकोण 360/n। अब दोस्तों कई लोगों के माइंड में आ रहा होगा, सर ये बाहुकोण और अंतःकोण क्या है, बाहुकोण और अंतःकोण क्या है। जैसे आपने एक बना दिया, ये आकृति बना दी, इस आकृति को बनाने के बाद आपने ये बनाया, यहां पे जो आप ये मान लीजिए, यहां पे जो ये कोण बन रहा है ये इसका अंतःकोण होता है और ये इसका बाहुकोण होता है। समझ में आया? अगर ये 30 डिग्री का होता है तो ऑलरेडी 150 डिग्री का हो जाएगा। क्यों 150 डिग्री का हो जाएगा? क्योंकि एक रेखा पर 180 कोण बनते एक तरफ, तो अगर ये 30 है तो डेफिनेटली 150 डिग्री का ही होने वाला है, ठीक है। तो इस तरीके से दोनों मिलकर 180 अंश का कोण बना रहे। तो दोस्तों आइए हम लेकर चलते हैं आपको क्वेश्चंस की तरफ, जो कि क्वेश्चन नंबर है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 16 बहुत सारे एग्जाम में पूछा जा चुका है, और लगभग आपके हर एक एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाने का बहुत ज्यादा चांस है। तो चलते हैं क्वेश्चन के साथ, और जो क्वेश्चन बताऊंगा आप उनका कॉपी भी बनाइए, कॉपी पे डेली रिवाइज करिए, तब जाकर आप क्वेश्चन को समझ पाएंगे, ठीक है, नहीं तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं। अब देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन है, एक पंचभुज के चार कोणों की माप क्रमशः 130 डिग्री 85 डिग्री 108 डिग्री 82 डिग्री, तो पांचवें कोण का माप कितना होगा? तो दोस्तों सबसे पहले पांचों कोणों का योग ज्ञात कर लीजिए, तभी तो पता चलेगा पांचों कोणों का योग कितना हो रहा है। तो सबसे पहले लिखेंगे, अब यहाँ पे पांच कोण का मान ज्ञात करना है, यानी कि पंचभुज बन गया, ठीक है। तो चलिए लिखते हैं पांचों
कोणों का योग, पांचों कोणों का योग। फार्मूला कोणों का योग का होता है दोस्तों अंतर कोणों का योग का 2n-4 × 90। ध्यान दीजिए, अब चूंकि ये पंचभुज है तो यन की जगह पे 5 रखना है, चतुर्भुज रहेगा तो यन की जगह पे 4 रखना है, सप्तभुज रहेगा तो यन की जगह पे 6 रखना है, सप्तभुज रहेगा तो यन की जगह पे 7 रखना। इतना सब बात याद रखिएगा। तो 2 यहाँ पे हो गया, 2 यहाँ गुणे का निशान आता है, एन की जगह पे 5 -4 × 90। अब हो जाएगा 2 × 10, 10 में से 4 जाएगा दोस्तों 6 हो जाएगा, यहाँ पे 90। तो 90 का 6 में अगर हम गुणा करते हैं तो 540 डिग्री। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यानी कि जो पंचभुज के पांचों कोणों का अंतर कोणों का जो योग होता है वो होता है 540 डिग्री। चार कोणों का योग दिया, पांचवे का पूछा है, तो आपको क्या करना है, इन चारों को जोड़ देना और 540 में से घटा देना, आपका आंसर 100% करेक्ट आ जाएगा। तो देखते हैं क्या करने वाले हैं। तो यहां लिखेंगे पांचवे कोण का माप, पांचवे कोण की माप। तो जो पांचवे कोण की माप होगी दोस्तों, देखते हैं 540 माइनस इन सबको एक साइड से जोड़ लेते हैं, फिर घटाएंगे, 130 डिग्री प्लस 85 डिग्री प्लस 108 डिग्री प्लस 82 डिग्री। तो जोड़ने के बाद अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे 540 माइनस इन सबको एक जगह जोड़ते हैं, 130 108 82 और ये 85, 8 × 15 = 15 को 5 हासिल 1 3 1 4 8 4 12 8 20 हासिल आपका बना 2 2 2 4 5। दोस्तों जोड़ने के बाद अगर हम टोटल बात करें तो यह रहा है 405, कितना रहा है 405, यहाँ लिखेंगे 405। तो अगर 540 में से आप 405 घटाते हैं दोस्तों तो आंसर आपका आ जाएगा 135 डिग्री। कैसे आया, 10 में से 5 गया 5, यहाँ 3 बचा और यहाँ पे 5 में से 4 जाएगा 1। तो पांचवें कोण की जो माप है वो है दोस्तों 135 डिग्री, कितना है 135 डिग्री। तो दोस्तों इसको आप क्वेश्चन को कॉपी पे नोट कर लीजिए। आइए लेकर चलते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 670 की तरफ, जिनको स्क्रीनशॉट लेना वो ले लेंगे। चलिए क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहे और लास्ट में मैं आपको एक शायरी भी सुनाऊंगा बहुत ही बेहतरीन। ध्यान से देखिए 57 नंबर क्वेश्चन क्या रहा है, एक सप्तभुज के कोण इस अनुपात में है। दोस्तों मैं आपको इसके बाद जो भी चैप्टर पढ़ाऊंगा, अलग बात है आपको जो भी चैप्टर पढ़ाओ कंसेप्ट के साथ पढ़ाऊंगा, एक सप्तभुज के कोण इतने हैं तो इनका न्यूनतम कोण आप देख सकते हैं, इनका जो न्यूनतम कोण सबसे कम दी वो 1 है। इस सवाल को करने से पहले तरीका मैं आपको बता दे रहा हूँ, अगर कभी ऐसे 2 का वैल्यू अगर 10 दे रखा है तो यहाँ पे हम एक काम कर लेंगे, 2 से 10 से भाग देंगे तो कितना रहेगा, 2 × 10 यहाँ पे 5 आ जाएगा। अगर कभी मैं ऐसे लिखूं 4 का वैल्यू 16 दे रखा तो यहाँ 4 गुना दिखे, कैसे पता चला 16 × 4 किया तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। तो ये चीज याद रखिए क्योंकि इस सवाल में इसका यूज होने वाला है। तो देखिए क्या रहा है, एक सप्तभुज के कोण 1:2:3:4:5:7 आपके अनुपात में, तो इनका न्यून कोण क्या है। तो पहले इनका हम जोड़ लेते हैं और ध्यान से आप देखिएगा, पहले निकालना पड़ेगा सप्तभुज के कोणों का योग। तो देखते हैं कितना हो रहा है, सप्तभुज के कोणों का योग, सप्तभुज के कोणों का योग, सप्तभुज के कोणों का योग की बात करें तो 2n-4 × 90, वही सप्तभुज के अंतर कोणों का योग का फॉर्मूला लगाएंगे, 2n-4 × 90, 2 × n की जगह पे रखेंगे, सप्तभुज है तो n की जगह पे 7 रखना है, -4 × 90 कितना जाएगा, 7 × 14 में से 4 जाएगा 10 और 10 का 90 में गुणा कर देंगे दोस्तों 90 डिग्री आ जाएगा, 90 डिग्री आया टोटल, सॉरी 900 डिग्री आएगा, 90 का 10 में गुणा करेंगे 900 डिग्री आएगा टोटल। तो 900 डिग्री आ यहां देखते टोटल कितना है, 8 7 15 15 5 20 4 24 3 27 2 29 30, यहां टोटल 30 अंश है और इस 30 डिग्री का जो वैल्यू दे रखा हूं 900 डिग्री दिया है और मैंने आपको बताया है कि कैसे करें, कितना गुणा दिखा, यह 30 गुणा दिखा। कैसे पता चला, 900 में 30 से आपने भाग दे दिया तो देखिए यहां पे 30 ही आएगा। तो हमें निकालना था 30 गुणा दिखा, तो सबसे कोण क्या, सबसे कम कोण कौन सा दोस्तों, 1 है ना, तो 1 कैसे में गुणा करा देंगे, तो आंसर आपका आ जाएगा 1 × 30 = 30 डिग्री आपका आंसर हो जाता। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन पूछता सबसे बड़ा कोण तो आप 30 का 8 में गुणा कराते और आपका आंसर आता 30 × 8 = 240 डिग्री। बड़ा कोण पूछता तो 240, छोटा कोण पूछा तो 1 का वैल्यू 30 डिग्री।
चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। और हमारा जो क्वेश्चन नंबर 18 है ये काफी बेहतर है, और जो पिछले साल आरआरबी एनटीपीसी में ये क्वेश्चन आ चुका है। तो कह रहा है किसी अष्टभुज के सभी आठ कोणों का योग कितना है। ये एकदम हलवा क्वेश्चन है, एकदम हलवा क्वेश्चन है, आप इसको तुरंत ही उड़ा देंगे, कोई ज्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं है। किसी अष्टभुज के सभी आठ कोणों का योग कितना है, तो फार्मूला मैंने आपको बताया 2L·4·90°। अष्टभुज की बात किया है तो एन के जगह पे आठ रख दीजिए, −4·90 कितना जाएगा, 8 × 16, 16 − 4 × 90, तो 16 में से 4 जाएगा कितना बचेगा दोस्तों 12 × 90°, 12 का 90 में गुणा कर देंगे, 12 × 12 = 108। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर, क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर। आइए आप जिनको भी स्क्रीनशॉट लेना हो ले लें, या फिर अगर नोट करो तो नोट बनाते रहें। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है एक अष्टभुज के कितने विकर्ण होते हैं, एक अष्टभुज में कितने विकर्ण होते हैं। जिनको ये नहीं पता विकर्ण किसे कहते हैं वो जाकर मेरा जो मेंसुरेशन का पार्ट 1 उसे देख ले, समझ में आ जाएगा। लेकिन यहां पर भी मेरा बताना एकदम फर्ज है, बता रहा हूं। जैसे आपने कोई भी चतुर्भुज बना लिया ए बी सी डी, तो इसको आप यहां से मिलाते हैं एक शीर्ष से दूसरे शीर्ष को, फिर यहां से, यही होता है दोस्तों विकर्ण, ठीक है। इसमें तो आप पता लगा लेंगे चतुर्भुज में कि दो विकर्ण होते हैं, लेकिन अष्टभुज में पता लगाना काफी मुश्किल होता है, काउंट करना एग्जाम में बैठे हो तो काउंट नहीं कर पाएंगे जल्दी। आइए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। मैंने यहाँ पर आपको एक फार्मूला भी बताया था, सुनिए दोस्तों, एक फार्मूला बताया विकर्ण निकालने का, विकर्ण को इसमें डायगोनल बोलते हैं, क्या बोलते हैं डायगोनल। तो विकर्ण निकालने का फार्मूला यानी लिखेंगे विकर्णों की संख्या, अष्टभुज में विकर्णों की संख्या, तो विकर्णों की जो संख्या होती है दोस्तों फार्मूला जाएगा n²-3n/2, बस आंसर आ गया। n का वैल्यू अष्टभुज रहेगा तो n की जगह 8 रखना, मैंने शुरू में आपको बता दिया है, n की जगह पे 8 का स्क्वायर −3 × 8/2, 8 का स्क्वायर। कई बच्चे 8 × 16 करते हैं, हंसी आ रही, बहुत सारे बच्चे करते हैं, आप लाइन में भी जब मैं क्लास लेता हूँ तो बहुत सारे बच्चे 8 के ऊपर 2 तो 8 × 16 करते हैं, तो आप ऐसी गलती नहीं करेंगे, 8 के ऊपर 2 कुछ और लिख दे, 16 मत लिखिएगा, मतलब 16 100% गलत है। अगर जो बच्चे सोच रहे होंगे सर 8 के ऊपर 2 वो गलत है, अगर कभी भी 8 के ऊपर 2 लिखा है तो आपको यहाँ 8 को 2 बार लिख के गुणा करना है, 8 × 8 = 64, या इंग्लिश की बात करें 8 के ऊपर 2 है तो 8 को 2 बार लिखेंगे, 8 × 8 = 64 होगा, 16 आप मत लिखिएगा, समझ में आया ना। तो 8 के ऊपर स्क्वायर करते हैं 64 हो जाता है, −8 × 3 = 24/2, यानी कि इसमें से घटाएंगे 64 में 24 तो 40 आ जाएगा, अब 40 में 2 से भाग देते हैं तो इसका आंसर आ जाएगा 20, एकदम करेक्ट आंसर आ जाएगा। कमेंट करके बताइए दोस्तों समझ में आया कि नहीं, नहीं आता तो जरूर मैं दोबारा इस चीज को पढ़ा दूंगा, नहीं समझ में आता तो। और आइए लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो कि काफी बेहतरीन क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन ग्रुप डी में पूछा गया है इसीलिए मैंने इसको चूज किया है, ग्रुप डी में आ चुका अभी 2018 के पेपर में, इसलिए मैंने ऐसे क्वेश्चन लिया इस समय। और लास्ट क्वेश्चन आज का है, लास्ट क्वेश्चन, किसी समबहुज का प्रत्येक अंतर कोण 150° है। ध्यान से देखिएगा, ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और लाजवाब शानदार क्वेश्चन है, देखते कैसे चुटकियों में इस क्वेश्चन को करते हैं। किसी समबहुज का प्रत्येक अंतर कोण 150° है, हमको नहीं पता कि उसका बाह्य कोण कितना है। यार एक बात याद रखना, जब भी कभी भी भुजाओं की संख्या पूछेगा तो आपको बाह्य कोण याद रखो, बाह्य कोण आपको निकालना ही पड़ेगा, अगर आप बाह्य कोण नहीं निकालते हैं तो आपका आंसर डेफिनेटली कभी नहीं आएगा। तो ध्यान से देखिए कैसे निकालते हैं, जैसे हमको तो यही समय पता नहीं है कि वो भुजा कितने डिग्री, मतलब कितनी भुजा है, तो हम अनुमान तो वैसे ही बना रहे हैं इस समय। तो कह रहा है किसी समबहुज का प्रत्येक अंतर कोण 150 है, यानी कि दोस्तों यह 150° है, ठीक है। तो मैंने आपको शुरू में मान लीजिए ए बी सी डी ई एफ जी एच, हमने अनुमानता अष्टभुज बनाया है, अगर अंतर कोण 150 है तो बाह्य कोण बेटा 30° हो जाएगा। कैसे पता चला, ये और ये मिलकर 180° होते, शुरू में मैंने आपको बताया है, तो ये 30° हो गए ना, जो बाह्य कोण हो गया वो हो गया 30°। क्वेश्चन में पूछ रखा है कि भुजाओं की संख्या कितनी है, मैं फार्मूला भी कुछ देर पहले जब वीडियो स्टार्ट किया था तो लिखवा दिया था। तो दोस्तों भुजाओं की संख्या का फार्मूला, भुजाओं की संख्या का फार्मूला होता है 360 बटे
बाय गुड क्या होता है दोस्तों 360 बटे बाय गुड, तो 360 बटे बाय गुड तो 30 डिग्री आया ना, तो काट देंगे 0 से 0 कैंसिल और 3 से 36 से भाग देंगे 12 आंसर आ जाएगा। तो भुजाओं की संख्या हो गई 12, अर्थात जो हमने अष्टभुज बनाया था 8 भुजा नहीं है दोस्तों, उसमें 12 भुजा है। तो अंत में मैं आपसे एक बात बताना चाहता हूं, जो भी बच्चे यूपी पुलिस का यूपीएससी का कुछ भी तैयारी कर रहे हैं हमारे चैनल पर आए, और उनको मैं ये बता देना चाहता हूँ कि अन्य चैनलों की अपेक्षा जो मतलब पेड कोर्स लेकर चला था उनसे बेहतर मैं कंटेंट देने का प्रयास कर रहा हूँ, कंटेंट देने का, तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए। और जो भी बच्चे क्लास 10 में या फिर क्लास 12 में है वो हमारे चैनल पर आए, और उन लोगों का जो है एक रैंकिंग क्रैश कोर्स स्टार्ट किया जा रहा है, रैंकिंग क्रैश कोर्स स्टार्ट किया जा रहा है, और उस क्रैश कोर्स में आपको सारे सब्जेक्ट कवर किए जाएंगे। तो वेट करिए, आज शाम तक वो वीडियो आ जाएगा जिसमें आपको सारी टीम नजर आएगी रैंकिंग क्रैश कोर्स के आधा पूरे डिटेल के साथ। तो दोस्तों अंत में एक शायरी के साथ स्टार्ट खत्म करते हैं वीडियो को, सॉरी अंत में एक शायरी के साथ वीडियो को खत्म करते हैं, वही पुराना शायरी जो आपको मोटिवेट कर देता पढ़ने के लिए, जो आपको मोटिवेट करता पढ़ने के लिए कि पढ़ो बगैर पढ़े कुछ काम नहीं होता है। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसी के साथ दोस्तों जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान।